Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Shivit Kati 2, and to today's video I'm just going to talk about a very different subject that we have here to talk about is going to be exam anxiety. सबको एग्जाम एंजाइटी जिंदगी में एक बार तो होती है, लाइक उस एंजाइटी के चक्कर में दे जस्ट एंड अप मेसिंग अप देयर एग्जाम. हो सकता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो एंड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बहुत कुछ आते हुए भी आप कुछ ना लिख पाए, कुछ ना आते हुए भी कुछ भी ना लिख पाए. अब उस एंजाइटी को टैकल कैसे करना है, आप उसको अपना एक पावरफुल वेपन कैसे बना सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. In case you are visiting here for the very first time, I would like to tell you all, this is Kriti Sahu. I recently graduated from University of Delhi from the course BNS Political Science, and I create educational videos, tutorials, lectures onto my YouTube channel since 2017. So, agar aap pehli baar dekh rahe hain, this is going to be really good. You can check out my some other videos as well. Besides promoting my own channel, I have something to say about the exam anxiety. पहली बात ये, मुझे एग्जाम एंजाइटी कभी नहीं हुई. सीरियसली मुझे कभी नहीं हुई. मुझे एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं क्यों. लाइक इवन इफ आई जस्ट गेट अ पासिंग मार्क्स और मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम्स के मार्क्स को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा चिल रही हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं फ्लो में नहीं भाई. जहाँ पे बात हो रही है कि यार तूने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला पोर्शन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आई एम लाइक कि मैंने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है. आई एम जस्ट लाइक मैंने इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल्स देखे थे, दैट्स इट हो गया. एंड फॉर दिस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप दैट कैन हेल्प यू इन ऑर्डर टू टैकल योर एग्जाम एंजाइटी, विच इज प्रिपेयर इन एडवांस. ट्रस्ट मी, एडवांस में प्रिपेयर करने से आधी दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं. पहली बात तो ये, स्टूडेंट्स के इतिहास में स्पेशली अगर वो कॉलेज में है, बहुत कम ऐसे बच्चे रहते हैं जो थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ते हैं. ज्यादातर का आसरा होता है यूट्यूब और वहां के टीचर्स एंड लेक्चर्स जो उनको एट द एंड सब कुछ पढ़ा देते हैं. दैट्स गुड, यू नो इट्स ओके. उसमें मैं भी आती हूँ, इन द सेंस की आई एम दैट टीचर हु मेक सच वीडियोज फॉर द स्टूडेंट्स एंड सो ऑन. बट द थिंग इज, अगर आपको जैसे पता है कि मुझे टॉप नहीं करना है कॉलेज में और मुझे पास भी नहीं होना है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. आप एडवांस में प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है यार कि सारा सब्जेक्ट मत पढ़ो, बट बहुत सिलेक्टिव पोर्शन करो और उस सिलेक्टिव पोर्शन लाइक स्ट्रैटेजिकली, ठीक है ना, किस पेपर में कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, सो ऑन. दिस कैन हेल्प यू अ लॉट इन ऑर्डर टू जस्ट प्लान योर स्टडीज, एंड ये एडवांस आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी फॉर योर थिंग. एंड दिस इज वाई आई जस्ट बिलीव इन टू द सेकेंड स्टेप, विच इज प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जब आपको लग रहा है आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, मेडिटेशन करने लगो. बहुत सारी टेक्निक्स आती है, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा. उसमें बताते हैं कि आप रेगुलर इंटरवल्स लो अपने काम को करते वक्त, दैट हेल्प्स योर लॉट इन ऑर्डर टू डू वट एवर यू आर डूइंग इन टू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड सो ऑन. आप उसको यूज़ करके अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़रूर कम कर सकते हैं. एंड बिसाइड दिस यू कैन फॉलो अ थर्ड टिप बाय स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड. देखो, ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. जैसे कि आपने एग्जाम के टाइम पे लास्ट वक्त पे आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो, नोट्स के साथ साथ आपने लास्ट ईयर पेपर्स भी अभी रात एक रात पहले ही देखे हैं, आपने यूट्यूब लेक्चर्स भी पहले ही देखे हैं एंड सो ऑन. अरे भाई, इसी काम को तो आप बांट सकते हो ना. नोट्स आप पहले पढ़ के रखिए ताकि एट द लास्ट मोमेंट आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करने पड़े. दो तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, यूट्यूब लेक्चर्स ऑलरेडी एडवांस में देखो, एंड अगर आप जिसको भी फॉलो करते हो जस्ट वेन एवर दे अपडेट एंड सो ऑन, एंड इफ यू गॉट एनी टीचर फॉर यू, आप उसको प्लान करके देखो एंड देन उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो. तो एटलीस्ट आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज रहोगे तो आपको पता है कि आप चीज़ें और प्रेशर हैंडल कर पाओगे. एंड फोर्थ थिंग दैट आई बिलीव इज गोइंग to play a crucial role, which is self-talk and kind of a things that you say to yourself. आप जिस तरह की चीज़ें अपने आप से बोलते हैं, यार बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो लग रहा है मैं फेल हो जाऊँगा, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू पास इट एंड ऑल, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. क्योंकि ना किसी के ओपिनियन आपके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालते हैं जितने कि आप खुद. इनफैक्ट जब सामने वाला भी आपको कुछ नेगेटिव बोलता है तो वो तो बोल के चला जाता है, उसने तो एक ही बार बोला ना, आप उसकी बातें ऐसे लिटरल लेके अपने दिमाग में कितनी बार खुद से सेल्फ टॉक करते हो. सेल्फ टॉक कैसी, नेगेटिव. दैट नेगेटिव क्रिएट्स अ नेगेटिव वाइब. मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में मानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक पॉजिटिव एनर्जी में मानती हूँ. लाइक आई सीरियसली बिलीव अ लॉट इन इट. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे आसपास कोई नेगेटिव बात करे, स्पेशली टू द थिंग, जैसे कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा डिजायर कर रही हूँ. फॉर इंस्टेंस, जब मुझे आईफोन लेना था ना,
तो मैंने ऑफ माय फ्रेंड्स सर यार आईफोन मत ले, पैसा बर्बाद है, इससे अच्छा कोई एंड्रॉयड ले ले, लाइक सैमसंग गैलेक्सी एंड सो ऑन, गूगल का आया है। आई एम लाइक कि नहीं मुझे यही लेना है। दे लाइक पैसे बर्बाद करेगी, तू नहीं ले पाएगी एंड सो ऑन, तू चला नहीं पाएगी, ऐसा कुछ। मुझे बड़ी गुस्सा आई, मैंने बोला ऐसा है ना, जब तक मैं ले नहीं लेती हूँ ना, मुझसे कुछ मत बोलो, बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू टॉलरेट विद दिस ऑल थिंग। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आप अपने आप से कैसे बात करते हो। इनफैक्ट ये तो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे नहीं, जनरली भी अपना नोशन बना लो, सेल्फ टॉक करनी है तो पॉजिटिव ही करनी है, नेगेटिव नहीं करनी है। क्रिटिकल सेल्फ टॉक में, नेगेटिव सेल्फ टॉक में डिफरेंस होता है। क्रिटिकल आप बोल रहे हो यू आर नॉट गुड इन टू दिस पर्टिकुलर थिंग कृति, यू हैव टू इम्प्रूव इट, इट्स गुड। बट आप बोलो ये चीज़ तो तुमसे हो ही ना पाएगी, करो ही मत, दैट्स काइंड ऑफ अ नेगेटिव इन इट सेंस। एंड द नेक्स्ट स्टेप हियर दैट यू कैन फॉलो इन ऑर्डर टू जस्ट रिड्यूस योर एग्जाम एंजाइटी, विच इज गोइंग टू बी स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। ट्रस्ट मी, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि आप जैसे ये करते हो ये इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर क्रिएट करता है। जब आप दूसरों को देखते हो ना, अक्सर होता है ना क्लास में कुछ टॉपर्स होते हैं जो बहुत आगे जा रहे होंगे रेस पे, आपको लगता है इसने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट तुमने कितना पोर्शन किया है। जैसे कि मुझे याद है जब मेरे 6th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे, एक पेपर था मॉडर्न फिलोसफिकल करके, मेरी उसकी प्रिपरेशन नहीं थी। जब मैं एग्जाम देने के लिए गई, मैं कॉलेज में एंटर की, मेरे सारे फ्रेंड्स का सर्कल बना हुआ था, दे बी लाइक तूने राजा राममोहन का रॉय कर लिया, मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा विवेकानंद वाला टॉपिक किया, मैंने कहा नहीं किया, दे बी लाइक तूने किया क्या, मैंने कहा मैंने बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव पोर्शन किया, आई नो व्हाट टू डू। अगर वो मुझे बोलने लगे आई एम जस्ट लाइक कि हाँ ये भी करना था वो भी करना था, दैट वे जस्ट रिड्यूस दैट कॉन्फिडेंस, एंड जो सही नहीं होगा। बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल विद द अप्रोच, इन सिलेक्टिव पोर्शन करने में आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है आपने इतना ही किया है। दैट्स इट, दीज आर द टिप्स फ्रॉम माई साइड दैट कैन हेल्प यू इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एग्जाम एंजाइटी इफ यू गेट एनी। अंटिल देन डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन अगर आपको इसके अलावा कोई मेथड आप अपने लिए यूज करते हैं जो हेल्पफुल रहता है। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। बाय बाय फॉर नाउ।